नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक कारगर उपाय लेकर के दोस्तों, वजन कम करने के लिए अगर आप अपने खान पान की डाइट को कंट्रोल कर लेते हैं, नियमित अंतराल पे यानी कि हम जैसी चार्ट बता रहे हैं इसको फॉलो करते हैं, तो आप अपने वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी का भी वजन ज़्यादा होता है तो उसको प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, कि वो ना तो ढंग के कपड़े जैसे फिट देखते हैं आप दूसरों को कि फिट कपड़े पहने हुए हैं, उनकी बॉडी शेप अच्छी लग रही है तो आप भी चाहते हैं कि पहने, लेकिन आप नहीं पहन सकते हैं, या और भी सारे कई जगह जाने पर आपको शर्मिंदगी होती है, स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, आप एक्टिव नहीं रह पाते हैं, आपकी बॉडी ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो कैसे आप अपनी बॉडी को कंट्रोल वजन में ला सकते हैं, इसके लिए आज हम आपको ऐसा डाइट चार्ट बता रहे हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका वजन खुद ब खुद सही हो जाएगा। दोस्तों, अब नोट कर लीजिए, पहले डे आपको क्या क्या खाना है। पहले डे आप केवल फलों का सेवन करें, पर केला ना खाएं। ध्यान रखें, आपको पहले दिन केवल फलों का सेवन करना है, लेकिन उसमें केला ना शामिल हो, क्योंकि केला जो है वो फैट को बढ़ाता है। दोस्तों, तरबूज, खरबूज, ये सारी चीज़ें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उसे खाएं, और इसके साथ ध्यान रखें कि 12 ग्लास पानी हर रोज़ पिएं। आपको दिन में, पूरे दिन में 12 ग्लास पानी पीना ज़रूरी होता है, कम से कम मिनिमम। अब दूसरे दिन का डाइट चार्ट क्या होगा इस पे ध्यान देते हैं। दूसरे डे आप केवल सब्जियों का ही सेवन करें। पहले दिन आपने फलों का सेवन किया, दूसरे दिन आप केवल सब्जियों का सेवन करें। इसमें जैसे कि आप ध्यान रख सकते हैं कि कच्ची सब्जियां भी खा सकते हैं, या फिर सब्जियों को उबाल करके सेवन कर सकते हैं। कच्ची सब्जियों में जैसे आप जानते हैं कि पत्ता गोभी खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, या फिर आप इसके साथ ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं आप। आलू का सेवन ना करें, ये ध्यान रखें सब्जियों में। इसके बाद नंबर आएगा तीसरे डे का। हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पानी आप जरूर ही पिएं, पूरे डे में 12 गिलास आप पानी जरूर पिएं। तीसरे डे आप फल और सब्जियों दोनों का सेवन एक साथ कीजिए तीसरे दिन। इसके लिए सुबह फल और लंच में सब्जियां खा लीजिए, इसी प्रकार से डिनर में दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में खा लीजिए आप। ध्यान रखिए कि इसमें सब्जी में आलू और केला ना हो। हम आपको ऊपर भी बताएं कि आलू और केला दोनों जो है फैट को बढ़ाने वाले होते हैं, इसीलिए इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये दोनों वजन आपके कम करने में रुकावट पैदा करेंगे। चौथे डे का डाइट प्लान होगा आप सभी के लिए दोस्तों, केवल दूध और केले का सेवन करें पूरे दिन में, और दूध में ध्यान रखें कि टोंड दूध ही सेवन करें, फुल क्रीम दूध का सेवन ना करें, क्रीम युक्त दूध का सेवन ना करें, और पूरे डे में पानी जरूर पिएं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद नंबर आएगा पांचवें डे का। दोस्तों, पांचवें डे आप एक कप उबले हुए चावल का सेवन कर सकते हैं, इसके साथ ही एक दिन में कम से कम 7 टमाटर भी आपको खा लेना चाहिए। डिनर में भी आप टमाटर खाएं, इसके बाद 10 ग्लास पूरे दिन में पानी जरूर पिएं। नंबर 6, छठवें डे दोस्तों, सब्जियों का सेवन करें इस दिन, और लंच में चावल का सेवन करें, डिनर में भी चावल आप खा सकते हैं। एक इसके बाद आपको जो ध्यान रखने वाली ज़रूरी बात है, हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि 10 गिलास पानी कम से कम 10 से 12 गिलास हर रोज़ पिए। सातवें दिन का डाइट प्लान दोस्तों, सातवें दिन आप एक कप उबले हुए चावल का सेवन करें, इसके अलावा दिन भर में फलों का जूस पिए, सब्जियों का जूस पिए, अपनी पसंद के फल और सब्जियां खाएं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप इस डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं दोस्तों लगातार, तो आप देखेंगे कि आपका वजन कम होगा और आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी। क्या होता है कि कई बार हम डाइटिंग करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है एक्टिवनेस बॉडी की कम हो जाती है, हम वीक होने लगते हैं। तो हमें वीक नहीं होना है, इस डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने वजन को तो कम कर पाएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपकी बॉडी में पौष्टिक आहारों की कमी नहीं होगी, आपकी बॉडी जो है वो फिट दिखेगी, बस आपका वजन कम हो जाएगा। दोस्तों, ये सबसे बेहतर तरीका है अपने आप को वजन कम करने के लिए, इस राह पर ले चलने के लिए। दोस्तों, अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो आपका वजन
आपके कंट्रोल में आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, उचित हो जाएगा। जब आपको लगे कि आपका वजन सही हो गया है तब आप नॉर्मल खान पान पर आ जाएँ, आप खा पी सकते हैं। हाँ, ध्यान रखें कि हमने बताया है कि पूरे डे में क्या क्या खाना है, आपका कितना भी दिल करे आपको फास्ट फूड वगैरह या किसी भी अन्य चीज़ को नहीं खाना है जब तक कि आपको सेटिस्फाइड वजन तक आपका वजन न दिखने लगे। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये व्यू था दोस्तों आप सभी के लिए वजन कम करने के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।